अच्छा वो क्या थी, आपने टिकटॉक पे आपकी बड़ी वीडियो वायरल है, आप बाबर की गाड़ी धकेल के आपने सबसे पहले तो उन्हें कहा कि बाबर भाई आपकी गाड़ी रेडी है, वो क्या सीन? वो बाबर साहब को इनाम में मिली थी तो उसको लेने आया था क्या तकरीबन मुझे ये PSL, तो मैंने पहले सीजन से लेके 8वें सीजन तक खुद कर रहा हूँ। 1500 से शुरू होती है जो टिकट है, मजदूर बंदा वो समझ लो कि एक दिहाड़ी लगाएगा तो मैच देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, मेरी तो दुआ है कि लाहौर कलान जीत जाए। अच्छा। लेकिन इस वक्त हर बंदे की अपनी है, मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान शायद जीत जाए क्योंकि उनके पॉइंट भी है, उनकी टीम है भी। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन जिस तरह आपको पता PSL जारी है, PSL लेट कराची मुल्तान, अब लाहौर में आपको पता 26 तारीख को यहाँ पर मेला सजेगा। हमारे साथ जफर भाई मौजूद है जो स्टेडियम की पूरी यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ के जो नीचे बैनर लगे हुए हैं, जो भी यहाँ पर पेड प्रमोशन है वो इनके पास है, इनसे जानते हैं। इन्होंने आपको इस साइड पे जो वीडियो चल रही है आपने देखा होगा कि बाबर भाई की गाड़ी भी इन्होंने ड्राइव की थी सबसे पहले, जो रेड कलर की जीप मिली थी। हमारे साथ मौजूद है कि PSL की 8 के अंदर जो लाहौर के अंदर मैचेज है, कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं अभी तक, जो चीज़ें क्या चीज़ें रह चुकी हैं और क्या मुकम्मल हो चुकी है, और LCD और जो भी मामला हैं जो चीज़ें लगी हुई हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या नाम? जफर इकबाल। जफर इकबाल सर, माशाल्लाह आपका टिकटॉक अकाउंट भी बहुत बड़ा है, आपने सबसे पहले तो हम आपका बड़ा मशहूर है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर ये PSL आपको पता है 8 की तैयारियाँ जा रही हैं, बड़ी ज़ोरों शोर से जा रही हैं, मुल्तान के अंदर अभी मैचेज हो रहे हैं, कराची के अंदर हो रहे हैं, 26 तारीख को यहाँ पर लाहौर में ट्रांसफ़र होंगे मैचेज, उसके बाद यहीं पर सेमीफाइनल, यहीं पर फाइनल, सारे मैचेज यहाँ पर बाकी रह चुके हैं, तैयारियाँ कितनी हो चुकी हैं? सर तैयारियाँ शुरू हैं अभी, एक दो दिन में जितनी भी ब्रांडिंग होनी है या कुछ जो भी LED लगनी है ग्राउंड में, उसकी तकरीबन काम शुरू हो जाएगा, उसका फिटिंग शुरू हो जाएगी, ऊपर स्पॉन्सर जो भी लगने हैं या ग्राउंड में LED बाउंड्री का काम है, तकरीबन 80% रेडी है और शुरू हो जाएगा आज शाम तक तकरीबन काम। सर कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह अभी ये कजाफी के जो मैचेस के ये जो होती हैं लीग्स, कितना अर्सा हो गया आपको काम करें? तकरीबन मुझे ये PSL तो मैंने पहले सीज़न से लेकर 8वें सीज़न तक खुद कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ब्रांडिंग होती है स्टेडियम के अंदर, हम देखते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो लगे होते हैं वो आप हैंडल करते हैं? बिल्कुल सर, वो हमारी तरफ से ही होते हैं स्पॉन्सरशिप। बड़ी बात है सर, माशाल्लाह बड़ा आपका अच्छा काम। जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात कि जितनी भी तकरीबन मुझे 14 साल हो गया पाकिस्तान से बोर्ड में काम करते हुए यही ब्रांडिंग का, और पाकिस्तान से बाहर भी जो भी क्रिकेट हुई थी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी तो वही भी थी, वो भी करता मैं उनके साथ भी काफ़ी, दुबई वगैरह में भी आप शामिल हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, T10 भी किया हमने। अच्छा वो क्या थी, आपने टिकटॉक पे आपकी बड़ी वीडियो वायरल है, आप बाबर की गाड़ी धकेल के आपने सबसे पहले तो उन्हें कहा कि बाबर भाई आपकी गाड़ी रेडी है, वो क्या सीन? वो बाबर साहब को इनाम में मिली थी तो उसको लेने आया था, क्या नाम है उसका ड्राइवर बाबर साहब का। अच्छा अच्छा, तो वो नीचे उतारी स्टेज से तो मैंने ड्राइव की पहली दफ़ा। अच्छा, बाबर से पहले आपने ड्राइव कर दी? बिल्कुल, खुशकिस्मती मेरी है कि मैंने ड्राइव की है, गाड़ी स्टेज पे ऊपर खड़ी थी, नीचे लेकर आनी थी, मैंने कहा चलो मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा ये जो स्टेडियम के अंदर हम देख रहे हैं, ये अकाब के अंदर, ये अकब में मेरे सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, सबसे बड़ा हमारी जो आवाम को जो मसला रहता है वो सीट्स का ही रहता है कि यार कितने पैसे खर्चे करेंगे और कहाँ से मैच देंगे, वो सीट्स के बारे में थोड़ा सा बताएँ। सर असल में यह है कि ग्राउंड में तो हर जगह पे बैच की होती है, लेकिन इमरान खान फजल ममून जो है इंक्लूजर है ना, इनमें सबसे अच्छा व्यू है। अच्छा मजदूर भी बड़े होते हैं जिनका शौक़ होता है कि हम मैच देखें, दिहाड़ी लगाकर वो बेचारे आते हैं, उनके लिए सबसे सस्ती टिकट कितने की है? यार लीग में वैसे तो 500 को भी होती है, 500 है सर सबसे सस्ती, असल में 500 की नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो मैंने ही मिलती है। वो कितनी है? 1000-2000 कहाँ से? तकरीबन 1500 से ऊपर किया है। 1500 से शुरू होती है जो टिकट है, मजदूर बंदा वो समझ लो कि एक दिहाड़ी लगाएगा तो मैच देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, इससे बेहतर है कि TV पे देख लो यार।
इससे बेहतर टीवी पे होता है। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं माशाल्लाह, ये रूलर, ये हर चीज़ें यहाँ पर बड़े अच्छे से ये तैयार की जा रही हैं, तो आप माशाल्लाह क्या देखते हैं कि कोई है आइडिया कि लाहौर जीतेगा, कौन जीतेगा? यार मेरी टीम तो पहले सीजन से लेके अब तक लाहौर कलंदर ही है, मेरी तो दुआ है कि लाहौर कलंदर जीत जाए। अच्छा। लेकिन इस वक्त हर बंदे की अपनी है, मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान शायद जीत जाए, क्योंकि उनके पॉइंट भी है, उनकी टीम हैवी है, बैटिंग बॉलिंग इस टाइम वो बड़ा टॉप पे जा रहे हैं। उनका एहसान मतलब ही नहीं मान बिल्कुल बिल्कुल वही नहीं माना, क्योंकि इस टाइम वो शेब अख्तर की तरह मैं कहता हूँ बड़ा रूज पर जा रहा है सर, 150 प्लस कर रहा है वो, नॉर्मल 150 कर रहा है वो तो। अच्छा सर, को एंड पे हमारे देखने वालों को जो PSL लाहौर के अंदर लाहौरियों को मैसेज देना चाहेंगे? सर यही मैसेज है यार कि आए PSL को कामयाब करें, हमारी अपनी क्रिकेट, हमारी अपनी लीग, इसको हमने ही कामयाब करना है। नादिर, आपने देखा हमारे साथ जफर साहब मौजूद थे, जो माशाल्लाह यहाँ की जो ब्रांडिंग है पूरे स्टेडियम की इनके हैंडओवर है, 8 साल से PSL 8वां सीज़न है और यही ब्रांडिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे T10 और अदर जो लीग है, यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ टीमें आती हैं, नेशनल टीमें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो भी टीमें यहाँ पर आती हैं, ये माशाल्लाह तब भी यहीं पर होते हैं और जो ब्रांडिंग का काम है कज़ाफ़ी यही कर रहे हैं। इनका कहना है कि 35,000 तकरीबन यहाँ पर ऑडियंस की जगह है, जहाँ पर ऑडियंस देख कर मैच देख सकती है। और ये जो दो इमरान और अज़र जो इन्होंने बूथ बताया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी टिकट्स और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आता है। और जो मजदूर तबका हजरात है, 1500 रुपये की टिकट स्टार्टिंग है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको एक और बताना चलूँ कि इनका ये कहना है, क्योंकि इनका तो डेली का काम है, कि कहते हैं कि यहाँ पर लाहौर में ऑडियंस सबसे ज़्यादा होगी, तो आपने ही बताना है लाहौरियों मैच देखने के लिए आओ, और सबसे बड़ी 1500 रुपये की टिकट है, आप ज़रूर आए मैच देखने। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।